मकान में मेरा चाचा चाची डेट हो गया। आपके चाचा चाची, ये मकान आपका ही है? ये मकान मेरा है, पांच भाई बनाया था, एक महीना हुआ घर ढाले हुए, तो घर प्रवेश भी नहीं हुआ। घर पांच भाई मिलके इस मकान को बनाए थे। हाँ जी। कितना लागत लगा था इस मकान को बनाने में? 20 से 25 लाख लग चुका है। अभी देख सकते हैं, ये एक गांव का, पहले जब बाढ़ के पानी नहीं आया था उससे पहले ये एक चौक हुआ करता था, और कह सकते हैं इसी चौक पर यहाँ एक हैंडपंप भी था, यहाँ पानी पिया करते थे लोग, यहाँ बैठा करते थे, और कहीं ना कहीं पूरे गाँव के लोग यही बैठा करते थे। तबाही का ऐसा मंजर अगर हम आपको दिखाएं, देखिए कैसे पूरा गांव बर्बाद हो गया, पानी इस तरह यहां पहुंचे कि देखिए, ये भी शायद मकान था किसी का, ये भी मकान था। ये मकान भी अब जमींदोज हो चुका है, इधर भी कुछ मकान थे वो भी गिर गए हैं, और कह सकते हैं कि नुकसान जितना हुआ है इसका आंकलन करना बड़ा मुश्किल है। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत काफी क्षति हुआ है, और पानी का बहाव इतना तेज था कि इस गाँव से मिट्टी तक को बहा के ले गया। ये कह सकते हैं सामान तो क्षति हुआ ही हुआ, इसका मिट्टी, यहाँ गड्ढा नहीं था क्या? गड्ढा था कभी यहाँ पर? नहीं था ना। आपका क्या नाम है? आपका? हमारा नाम खुर्शीदा। आपका कौन सा घर है? नहीं, हम आए बहन के घर। अच्छा, रिश्तेदार के यहाँ आए हैं। आपका घर है यहाँ? अच्छा, उनका भी नुकसान हुआ है? हाँ, घर चला गया बोरा। तो यहाँ यहाँ पहले मट्टी था कि गड्ढा ही था? ऐसा ही नहीं, घर था यहाँ पे, यहाँ पर घर था। अच्छा, तो घर भी बह गया। कह सकते हैं कि देखिए पानी के साथ साथ पानी ने इतना तेज हथौड़ा दिखा दिया, देखिए किस तरह से मिट्टी तक को बहा के पानी यहाँ से ले गया। और देखिए हम कुछ और अंदर जाएंगे, अंदर का भी कुछ दृश्य दिखाएंगे। बिजली के पोल हैं, बेवा का घर है। कौन सा? ये अच्छा अच्छा, देखिए बिजली का पोल है, ये देख सकते हैं ये गिरा हुआ है, और बिजली का जो तार है वो ये गिरा हुआ है। सोचिए कितना खुशहाल परिवार था पूरे गांव के अंदर में। देखिए अब तो इसमें करंट भी नहीं है, क्योंकि यहां तक करंट लाने में काफी समय लगेगा इस गांव वाले को। ये देखिए, ये किन का घर है? एक बेवा का बताया जाता है। अच्छा, तो ये अभी गांव में नहीं है, अभी तक सब बांध पे ही है। देखिए ये सब बांध पर है, थोड़ा सा करीब से दिखा दीजिए। देखिए थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सही हो गया, थोड़ा अंदर आ जाइए। देखिए अंदर का भी हम कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे। देखिए कितना भयानक स्थिति है, और ये तस्वीर देखने के बाद तो शायद आँख से आंसू आ जाएगा। देखिए अगर हम आपको ये तस्वीर दिखाएं, ये मकान जिस तरह से नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से मकान पलट गया है। ये मकान किसका है? इन भाई साहब का। आपका मकान है? अच्छा अच्छा, देखिए थोड़ा इधर से थोड़ा दिखा दीजिए, सही होगी इधर से, यहाँ से थोड़ा दिखाइए। अभी अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ भी एक मकान था जो पानी में बह गया। एक मकान मेरे पीछे है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मंजिल इस गांव के लिए कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मकान बनाया था, और जिंदगी भर कमा करके एक ऐसा मकान बनाया कि सभी परिवार लोन उठा करके मकान बनाए थे। लेकिन बताइए जिंदगी भर का सपना कैसे एक पल में चकनाचूर हो गया। और वाला मकान में मेरा चाचा चाची डेट हो गया। आपके चाचा चाची? ये मकान आपका ही है? ये मकान मेरा है, पांच भाई बनाया था, एक महीना हुआ घर ढाले हुए, तुम घर प्रवेश भी नहीं हुआ। घर पांच भाई मिलके इस मकान को बनाए थे? हाँ जी। कितना लागत लगा था इस मकान को बनाने में? 20 से 25 लाख लग चुका है। 20 से 25 लाख रुपया? हाँ जी। 20 लाख रुपया, उसमें एक दिन भी पाँव भी नहीं थे, पूजा भी नहीं, मतलब घर का गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया। प्रवेश नहीं हो पाया। सोचिए दोस्तों कि इस घर का गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया, और ऐसे में घर में गृह प्रवेश होने से पहले ये एक पहला पैर रखने से पहले अपने सपने को सजाया, संवारा, बनाया, लेकिन अचानक एक ऐसी आफत आई, एक ऐसी तूफान आई, एक ऐसी कह सकते हैं कि कुदरत का एक ऐसा कहर आया कि उस कहर ने इस घर के सारे सपने को चूर चूर कर दिया, और 30 लाख रुपया कह सकते हैं शहर में रहकर कर्जा लेकर, लोन उठाकर, और एक एक रुपया जोड़ कर इस मकान को बनाया था ताकि अपना पूरा परिवार खुशहाल रह सके। लेकिन सारे सपने अब चूर चूर हो चुके हैं। सरकार इसकी भरपाई करेगी, क्योंकि सरकार इसका आंकलन कर रही है, लेकिन कब भरपाई होगी, कब इसका आंकलन पूरा होगा, और कब ये गांव की स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से सामान्य होंगे, कब लोग से फिर से बसने लगेंगे, कब यहाँ का माहौल एकदम स्थिति ठीक होगा, कब लोगों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट वापस लौट कर आएंगे, ये देखना बाकी है। ये है सर, इसी बाढ़ में। जी जी, ये इसके बगल वाले मकान थे, लेकिन वो मकान ही नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया है, लगा भी था नहीं ले रहा है। अच्छा, और सरकार जहाँ पर इनका मकान था, इनके घर के ठीक पीछे इनका मकान था, लेकिन अब वहाँ मकान नहीं है। इनके मम्मी और इनके पिता दोनों इस बाढ़ के पानी के चपेट में आ गए, और इसी छत पर थे शायद, और पानी में अचानक बह जाने के कारण इनकी माता और पिता दोनों का इस बाढ़ के पानी में देहांत हो गया। कह सकते हैं हम लोग खुद खोजे थे बॉडी, 6 दिन के बाद पापा का बॉडी मिला, 3 दिन के बाद हम लोग प्रशासन कोई मदद नहीं किया, हम लोग खुद खोजे। अच्छा, जो आपदा राहत से चेक मिलता है वो मिला कि नहीं? चेक तो मिल गया सर, जो माता पिता का है, लेकिन बाकी सरकार की तरफ से अभी कोई सहायता नहीं मिला है। बाकी हमारा जो अकाउंट है हमारा दिल्ली का है, तो अभी हम
कुछ चेक का कर नहीं सकते। बाकी हमारे सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिला है, कोई सामान भी आता है जैसे पब्लिक सिटी जो नहीं आता है वो भी नहीं मिला है कोई, क्योंकि हमारा झोपड़ी उपरी नहीं है तो बोलता है बिना झोपड़ी का हम कुछ नहीं देंगे। तो आप बांध पर नहीं रह रहे हैं? यही नहीं, हमारे जगह ही नहीं था यहाँ पे रहने के, झोपड़ी बांध के हम दीदी के यहाँ रह रहे थे, ग्यारी में रह रहे थे, रिश्तेदारों के क्रियाक्रम कर रहे थे, मम्मी पापा के जो था वो सब करे 13 दिन 14 दिन तक। ये बताइए अब आपके माता पिता नहीं रहे, कितने सपने सजाए होंगे, आप माँ बाप के साथ बैठना है, माँ बाप के साथ रहना है, एक घर में खुशहाल परिवार होगा, लेकिन सारे सपने चूर चूर। जी जी, माँ बाप बोला था हमारे एक घर बना दो छोटा सा हम लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन घर बनाए अभी 4 महीने पहले घर बना गए थे 3 रूम के, और भाई के 3 भाई हैं, 3 भाई मिलके। जी जी, 2 भाई मिलके बनाए थे, एक हमारा बोरगाम रहते हैं, लेकिन 3 भाई एक साथ ही थे हम लोग, और 6 रूम का घर था, 6 रूम पता नहीं चल रहा है सब खत्म हो गए। जी जी, बताइए बर्बादी का एक ऐसा दृश्य हमने आपको दिखाया, और इस भाई के साथ जो तकलीफ हुई है, इस भाई के साथ जो घटना हुआ, इनके माता पिता का देहांत होना, इनके माता पिता इस आपदा के चपेट में आ जाना, कहीं ना कहीं इस भाई के लिए एक बड़ी बहुत बड़ी दुख है और सहायता मदद की जरूरत है। सर भाई क्या लग रहा है कि अभी तक सरकार को आकलन कर लेना चाहिए, जैसा कि सरकार बता रही है कि 1 सप्ताह में आकलन करना था? सरकार जो बताती है वो करती कहाँ है? आप एक बात बताइए, मैं इससे पहले भी कहा था कि 27 2 दिन पहले बिहार सरकार का लेटर जारी होता है कि ये स्थिति बिहार का हो सकता है और खास करके कोसी और सीमांचल का ये स्थिति हो सकता है, लेकिन तैयारी क्या थी? अचानक यहाँ पे बांध टूट गए, गांव के गांव लोग भांस गए, ठीक है, कई लोग मर गए, कई लोगों का सैकड़ों के संख्या में घर बर्बाद हो गया, लेकिन सरकार तो इंतजाम कुछ नहीं किया, यानी सरकार के इंतजाम नहीं रहे, सरकार का इंतजाम पूरी तरह से विफल रहा और पूरी तरह से फेलियर रहा है। जो क्षति हुई है उसका आंकलन जल्द होना चाहिए, उसकी भरपाई जल्द होनी चाहिए। हम गांव चलेंगे, गांव के अंदर कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि बिरोल अनुमंडल के पदाधिकारी उमेश कुमार भारती का यहाँ के गाँव के लोग धन्यवाद देते हैं, मैं भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर वो पहल नहीं करते सही समय पर, अगर गांव को खाली नहीं करा दिए होते तो इस गांव के अंदर जितना नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, जो घर बर्बाद हुआ है, कहीं ना कहीं माल के साथ साथ जान की भी नुकसान हो सकता था, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं अनुमंडल प्रशासन, जिला प्रशासन, जिन्होंने पहल किया, इस गांव को पहले खाली करा दिया, इस वजह से गाँव में कुछ नुकसान कम हुआ। ये किनका मकान है, सुनिए ना, ये किनका मकान है? सब बांध पे है। देखिये, ये लोग तो यहाँ है नहीं कि इनसे बात कर पाए, ये बांध पे है, ऊंचे स्थान पर है, लेकिन देखिए ये देखिए दहेज का सामान है, और देखिए किस तरह से, देखिए कितना नुकसान हुआ है, सोच सकते हैं। ये देखिए मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, उधर भी सामान नुकसान है, सोचिए कि ये एक नया पलंग होगा, और इस बेड का क्या स्थिति हुआ, बेड का कुछ हिस्सा किधर भंस कर चला गया कुछ पता नहीं चला। ये स्थिति है भूबोल गांव का, जो परिस्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, शायद ये आप कैमरे पर देख पा रहे होंगे, तो आप भी ये सोचने पर हैरान हो गए होंगे कि आखिर इसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी, जितना नुकसान हुआ है। और चलिए हम आगे भी और दृश्य दिखाएंगे बिजली।